अरे इंदु, यार पानी लेके आना गिलास। अभी लेके आ रही। और सब ठीक हो? ठीक। सीरत पापा, हाँ? मुझे आपसे एक बात करनी है। बताओ। कल ना परी का बर्थडे है, मुझे एक नया सूट दिला दो। क्या? सूट दिला दो मुझे एक नया। यार तेरे को पिछले मैं तो मैंने 4 सूट नहीं दिलवाए यार। तो फिर क्या हुआ दिलाया? तो उनमें से कोई सूट पहन के चले जाना। नहीं, वो मैंने सारे पहने, सबने देखे हैं वो सूट। तो फिर क्या, किसी ने देखे हैं तो? यार वो कौन से पुराने हो गए? नहीं नहीं, वो सब नए पहन के आएगी, मैं भी नए पहन के जाऊंगी। अरे तो यार मुझे को तो ना परेशान हो गया मैं तेरे सूटों से। मेरी आधी से ज्यादा सैलरी ना तेरे सूटों में चली जाती है यार। तो फिर क्या हुआ, किसके लिए कमा रहे हो? यार कमा तो तुम्हारे लिए रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूँ मैं, पर मुझे पता है। लेकिन यार अब किसी को दिखावे के लिए तो हर बार नए सूट कहाँ से लेके? नहीं, मेरे को तो चाहिए नया सूट। यार तेरे पास सूटों की कमी है क्या? इतने सारे सूट तेरे पास है यार। कहाँ है? कहाँ है? अभी दिखाता हूँ, रुक कहाँ है दिखाओ। इंदु इधर आना। मैं नहीं आ रही। ये सूट किसके पड़े हैं? मुझे नहीं पता, लाके दिखाओ। दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। पूरी की पूरी अलमारी भरी पड़ी सूटों से। ये ले भाई, इतने सारे सूट हैं ये। अब मैं तो उठाए नहीं गए, मैं अभी तो और भी इससे ज्यादा पड़े हैं। मैंने पहन लिए सारे, मेरे को नहीं अब पहनने चाहिए। दूसरा दिलाओ मेरे को, नए डिजाइन का। नए डिजाइन का देख यार, इनमें डिजाइन कम है। ये देख कितना बढ़िया डिजाइन है, पूरी लैस वगैरह लगी पड़ी है इसकी। देख पैंट में भी कितना सुंदर डिजाइन है। ये देख लैस लगी है तो क्या है? ये देख ये कोटी वाला, देख कितना सुंदर डिजाइन है। अब मैं नहीं पहनूंगी ये देख। अब कौन पहनता है कोटी वाला? अरे ट्रेंडिंग में है यार ये, देख कितने अच्छे अच्छे सूट है। ये देख ये कोटी वाला डिजाइन, ये देख बस मैं नहीं पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी, मेरे को चाहिए सूट तो चाहिए। देख तुझे कितने अच्छे अच्छे सूट है यार। ये देख प्लाजो, सर्कल प्लाजो। मैं देख ही नहीं रही, सूट ही नहीं देख रही यार, कमाल। ये देख ये मेरा मन भर गया ना इन सबसे। ये यार ये देख बेबी कॉलर, देख बेबी कॉलर यार। कुछ सूट तो ऐसे जिनको तुमने अभी तक टच भी नहीं करा। ये देख कितना अच्छा डिजाइन है, देख पहन के देख ले यार, बहुत अच्छे सूट है। मैं नहीं पहनूंगी यार, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है सूट दिलाने के लिए यार। दिला दो ना। मेरे पास नहीं है पैसे इतने यार, तू समझा कर यार। अच्छा बताओ दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे, एक बार बोल दो। सूट ना दिखाओ मुझे, सब देखे हैं मैंने। मैंने दिला रहा। क्यों नहीं दिला रहे? मैं नहीं बात करूंगी आपसे। जब देखो सूट 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 यार। संभाल के रखो अपने पैसे अपने पास, मेरे को सूट चाहिए तो चाहिए यार। परेशानी कहां से लाऊं सूट यार, दुकान से और कहां से? सूट दिलाओगे नहीं दिलाओगे? यार भाई मैं नहीं दिला रहा सूट, मैं तो सूट दिला दिला थक चुका हूँ। नहीं दिलाओगे तो फिर मैं जा रही। कहाँ जा रही हूँ? अपने काम कर रही हूँ, सोई में जा रही हूँ। भाई तंग हो गया मैं तो यार इस लेडी से यार, क्या करूँ। इतने सारे सूट पड़े हैं, इतने सूट पड़े हैं यार, इससे ज़्यादा सूट तो अलमारी में पड़े हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ यार। पर ये समझती नहीं है भाई, क्या करें, मरता क्या ना करता भाई, घर पर ही चलाना है, परिवार को चलाना है तो भी मेहनत तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, इसके लिए सूट तो लाना पड़ेगा, शाम को खाना भी खाना है भाई। हाँ तो इंदु इधर आओ भाई, बात सुनो मेरी, नाराज मत हो यार, तो इधर आके बैठ, यहाँ बैठ। कैसे बुलाया आपने? भाई सूट की डिमांड थी ना, अब तेको मैं सूट दिला करा रहा हूँ बढ़िया सा। अब आपने अच्छे पति वाली बात की। तो भाई अच्छा पति तो बनना पड़ेगा भाई, बता कैसा सूट चाहिए? अलग चाहिए मेरे को, बिल्कुल सबसे अलग। बिल्कुल सबसे अलग? देख तेरे पास प्लाजो सूट भी है, पैंट वाला भी है, धोती सलवार वाला भी है, कोटी सूट भी है, और काफी सारे सूट इसके अंदर नए नए डिजाइन भी हैं। देख अभी तो कुछ पहन लिए ना मैंने सारे। नहीं मैं ये नहीं कह रहा भाई, वो तो मेरी बात हो चुकी, मैं तो डिजाइन देख रहा हूँ, कुछ ऐसा डिजाइन हो जो सबसे अलग हो। अब मेरे को अलग बना के दो अलग। तो भाई इतने सारे पास सूट हैं, कोई बात नहीं, इससे नहीं दिल भर रहा ना, अब मैं तो नया सूट लगाता हूँ शाम को। ठीक, आज फिर खाने में क्या बनाऊंगा आपके लिए? भाई जो तुम बना दो हम तो खा लेंगे, बाकी देखो पता है मेरा फेवरेट खाना क्या है? क्या है बता दो, वही बना। मटर पनीर हो, क्या खाता हूँ मैं। अब तो खुश है? खुश हूँ। ठीक ठीक ओके, अब फिलहाल मुझे पानी पिला दो, फिर मैं जाता हूँ मार्केट। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की है। एक्चुअली दोस्तों बहुत सारे घरों में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने पति से इस तरह से जिद पूरी करवाती हैं,
उनसे फिर जैसे कि नाराज़ भी हो जाती, जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ भी हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी का छोटा सा पहलू था, रियल में मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा मेरी देखभाल करती है और कभी आज तक इसने मेरी जिद नहीं कही, कभी अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए मेरे साथ कुछ ऐसा रवैया भी नहीं अपनाया। लेकिन जिन घरों में महिलाएं, मैंने अक्सर देखा है कि समाज में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो अपने फैशन के लिए या फिर अपनी जिद पूरी कराने के लिए पति के साथ इस तरह से बर्ताव करती हैं। हाँ, अगर मैं मानता हूँ कि किसी के पास काफ़ी पैसे हैं, अच्छे फैमिली है, बैकग्राउंड ठीक है या फिर अर्निंग अच्छी है या फिर लेडीज़ खुद सेल्फ डिपेंड है, पति की कमाई पर निर्भर नहीं है, तो हो सकता है अपने शौक़ पूरे करने के लिए आप नए नए फैशन के कपड़े पहने, अपना सारे शौक़ पूरे करें। लेकिन कुछ घरों की स्थिति ऐसी होती है कि मैंने खुद देखा है फ्रेंड्स, अपने केवल शौक़ पूरा करने के लिए लेडीज़ क्या करती हैं कि मुझे तो, जैसे आपने आज की वीडियो में देखा है कि अपनी जिद पूरी करने के लिए पति पर दबाव बनाया और पति को भाई मजबूरन उसको सूट ला के देना ही पड़ा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कृपया ना करें। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन जो मन मुटाव या फिर तनाव की स्थिति पैदा होती है घर में, वो काफ़ी दुखदायी होती है। तो बस छोटा सा एक यही मैसेज देने की कोशिश की थी कि हाँ, अगर आप अच्छे पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सारे शौक पूरे करो, लेकिन घर में पैसे की स्थिति कम है या परिस्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इन चीज़ों को मैनेज करें। बहुत सारे घर में मैंने महिलाएं ऐसी भी देखी हैं जो पूरा घर का दारोमदार उनके खुद के ऊपर, कंधों के ऊपर रखती हैं और एक एक पैसे को बचाती हैं और वो घर एक तरह से स्वर्ग होता है। लेकिन केवल अगर जिद पूरी करनी हो और जिद पूरी करके किसी चीज़ को मनाना, वो उसमें वो मज़े वाली बात नहीं है, वो एक तरह से आप, मैं तो ये कहता हूँ कि फॉर्मेलिटी वाला ही काम होता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज देने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।